हेलो एवरीवन आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एन के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का टॉप ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फिर तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन इज इक्वल टू एल बाई डेल एल डेल एल बाई एल एल पॉइंट डेल एल या एल प्लस डेल एल यहाँ पर डेल एल मतलब क्या है तो चेंज इन लेंथ है और एल मतलब क्या है तो ओरिजिनल लेंथ है तो स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या होता है तो स्ट्रेन का डेफिनेशन होता है चेंज इन लेंथ वट ओरिजिनल लेंथ ठीक है तो ये रहेगा आपका डेल एल बाई एल तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर अगर आप ग्राफ के थ्रू देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में तो स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर है तो वो इस तरफ रहता है यहाँ पर एरिया अंडर कर्व जो है वो ऑब्जॉर्व एनर्जी रहता है ये आपका ब्रिटिल के लिए है और ये आपका डकटाइल के लिए है क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी इन एज ए रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस इंपैक्ट एनर्जी या मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस देखिए यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड एग्जाम में तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं और तीनों ही डेफिनेशन है तो आप उसको ध्यान से देखिए मैं तीनों आपको याद करा दूंगा यहाँ पर टोटल स्ट्रेन एनर्जी की जब कभी भी टोटल वर्ड यूज़ होगा तो टोटल रहेगा आपका रेजिलेंस के लिए अगर यहाँ पर टोटल की जगह मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी यूज़ होगा तो मैक्सिमम रहता है आपका प्रूफ रेजिलेंस के लिए जब कभी भी आपका स्ट्रेन एनर्जी वो आपका रेशियो के केस में होगा रेशियो ठीक है जब कभी भी आपका स्ट्रेन एनर्जी रेशियो के केस में दिया रहेगा तो वो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस रहेगा तो ये तीनों केसेस आपको पता रहना चाहिए टोटल मैक्सिमम और रेशियो यहाँ पे रेजिलेंस है ये देख लीजिए आप ये रेपिडिटी के बाद का अगला फॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर थ्री दिया है कि बीम ऑफ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स एफ द मैक्सिमम शेयर फोर्स विल ऑक्योर एट द टॉप ऑफ द सेक्शन बॉटम ऑफ द सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन या जंक्शन ऑफ द वेब एंड फ्लैंज तो देखिए बीम ऑफ टी सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू शेयर फोर्स एफ है तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो है वो कहाँ पर तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जनरेट होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन में तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में भी ऑप्टेंड बाई जो आपका कोई भी बीम है अगर आपके पास में उसका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कब जनरेट होगा जब कीपिंग द विथ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द डेप्थ या कीपिंग द डेप्थ यूनिफॉर्म एंड वेरिंग द विथ या वेरिंग द वेरिंग द विथ एंड डेप्थ बोथ या एनी वन ऑफ दिस तो देखिए बेसिकली आपका बीम ऐसा कोई भी बीम जो जिसका स्ट्रेंथ जो है वो आपका यूनिफॉर्म रहेगा तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के, के केस में क्या रहेगा तो वे तीनों केसेस रहेगा तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे वीडियो का कि द स्प्रिंग इन ब्रेक्स एंड क्लच यानी कि ब्रेक एंड क्लच में कौन सा स्प्रिंग यूज करते हैं मतलब उसका पर्पज़ क्या रहता है टू अप्लाई फ़ोर्स टू मेजर फोर्स टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी या टू एब्जॉर्व शॉक तो देखिए बेसिकली आपका जो एबजॉर्व शॉक है वो कहाँ पे यूज़ होता है तो वो आपका सस्पेंशन इंजन का जो सस्पेंशन यूनिट होता है वहाँ पे शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्व करने के लिए स्प्रिंग को लगाया जाता है पर ब्रेक्स और क्लच में बेसिकली क्या होता है तो, तो आपका स्प्रिंग को लोड को अप्लाई करता है तो अप्लाई फोर्सेस तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड बीम कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड लाइज एट फिक्स एंड सेंटर ऑफ बीम वन थर्ड ऑफ फिक्स बीम या नन ऑफ दिस तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको निकालना है किसका फिक्स बीम का तो देखिए ये आपका फिक्स बीम है फिक्स बीम वो बीम होता है जिसके दोनों एंड जो है वो क्या हो तो दोनों एंड उसके फिक्स रहते हैं तो दोनों एंड जब फिक्स रहेंगे तो इसलिए उसको फिक्स बीम बोलते हैं तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन रहता है जब सेंटर में लोड लगेगा तो सेंटर में ही रहेगा मतलब सेंटर ऑफ द बीम तो ये वाला पॉइंट पर रहता है क्वेश्चन नंबर सेवन में चलते हैं कि द डिज़ाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज बेस्ड ऑन हुप स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर्थमैटिक मीन ऑफ द हुप एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या जियोमेट्रिकल मीन ऑफ द हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो देखिए डिजाइन ऑफ थिन सिलेंड्रिकल शेल का जो डिजाइन होता है वो किस पेस पे होता है तो वो होता है आपका हुप स्ट्रेस के बेस पे तो ए आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर एट में चलते हैं कि द पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेटेड पर पर पिच लेंथ क्रश बोल रहा है क्रश के केसेस में मतलब क्या है पुल रिक्वायर्ड टू क्रश द रिवेटेड पर पिच लेंथ तो क्रश मतलब सी ओके okay. तो सी आप देख लीजिए सबसे पहले किस में किस में दिया है तो टी मतलब ये टीयर के लिए है ये टेंशन के लिए है तो ये दो तो नहीं होगा ये आपका ये रहेगा या तो फिर पी या तो फिर डी रहेगा तो क्रश करने के लिए जो पुल रहता है वो आपका बी के लिए और पुश रहता है वो आपका डी के लिए तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया डी यहाँ पर डायमीटर है टी आपका थिकनेस है क्वेश्चन नंबर नाइन में चलते हैं ये क्या है तो ये आपका बेसिकली आपका रिवेटेड जॉइंट है यहाँ पर ये रिवेट रहता है ये रिवेट यूनिट है और इसको बाहर से देखने से ये रिवेट का ये हेड है ये रिवेट सेट है और ये जब हैमर के थ्रू रिवेट को रिवेटेंट किया जा रहा है अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन है कि द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या शेयर स्ट्रेन देखिए स्ट्रेन का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का था कि स्ट्रेन क्या होता है तो चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ ये क्या रहता है तो ये आपका स्ट्रेन रहता है यहाँ पे अगर यही इन लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ जो है वो आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रहेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रहेगा तो वो रहेगा आपका लीनियर स्ट्रेन और अगर अपोजिट टू फोर्स रहेगा तो रहेगा वो आपका लेटरल स्ट्रेन और चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम के केस में रहेगा तो वो क्या रहेगा तो वो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और अगर वो शेयर के केस में रहेगा तो वो आपका शेयर स्ट्रेन कहलाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर आपका लीनियर स्ट्रेन ए रहेगा वहीं अगर देख लीजिए पहले इस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम है यहां पर लीनियर जो स्ट्रेस रहता है वो लीनियर इस केस तक में बोलते हैं जिसको कि हम हुक स्ट्रेस तक बोलते हैं जब तक ये जो केस में जाने

द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस इज एम एम स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है क्यों क्योंकि चेंज इन लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ करेंगे तो अगर आप तो ए मीटर बटे मीटर करेंगे तो क्या होगा मीटर टू मीटर कट जाएगा इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है हुक्ला होल्ड गुड अप टू ब्रेकिंग पॉइंट ये भी गलत है हुकला जो है वो कब तक करता है तो अप टू इलास्टिक पॉइंट तक करता है तो ये भी गलत हो गया तो बचा क्या आपका यही सही है तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे ये किसके लिए है तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ये आपका माइल्ड स्टील के केसेस के लिए है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका ये ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हुक स्ट्रेस कहलाता है यही ये आपका इलास्टिक लिमिट भी है उसके बाद में यहाँ से आपका ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहलाता है जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर या मैक्सिमम एनर्जी ये डिफॉर्म करती है उसके बाद नेकिंग स्टार्ट होता है जो कि बाद में फ्रैक्चर में जाके ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर अलव है कि द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ ऑरिजिनल थिकनेस टू द चेंज इन थिकनेस चेंज इन थिकनेस टू द ऑरिजिनल थिकनेस ऑरिजनल वॉल्यूम टू चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम टू द ऑरिजिनल वॉल्यूम तो देखिए बेसिकली आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो क्या होता है तो वो होता है चेंज इन वॉल्यूम टू द ऑरिजिनल वॉल्यूम तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस जो थर्मल स्ट्रेस होता है वो किसका फंक्शन है फंक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन तो ये तीनों का रहता है मतलब डी आपका करेक्ट आंसर हो गया अभी थर्मल स्ट्रेस को देखिए तो देखिए जब कभी भी आप किसी नॉर्मल से मेटल प्लेट को सेंटर से हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक स्ट्रेस जनरेट होता है हीट की वजह से उसे ही हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं वो उसके सराउंडिंग बॉडी में धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कि वेन अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड यानी कि अगर किसी कॉलम के ऊपर में कोई इसेंट्रिक लोड लगा तो उस समय उसका स्ट्रेस क्या रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस ओनली बेंडिंग स्ट्रेस ओनली शेयर स्ट्रेस ओनली या डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ तो वेन अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉलम विल बी डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस बोथ तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया अगले क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी है कि वेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी कि किसी भी शाफ्ट में जब कभी भी हम ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट होता है तो एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विल बी अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस तो देखिए बेसिकली जब कभी भी आप किसी भी शाफ्ट को ट्विस्ट कर देंगे यानी कि हम उसे मोड़ देंगे तो मोड़ने से उसके जो सर्फेस रहता है आउटर सर्फेस के ऊपर में स्ट्रेस जनरेट होता है और उस आउटर सर्फेस को ही हम शेयर बोलते हैं तो शेयर स्ट्रेस इसका करेक्ट आंसर हो गया नंबर 15 में चलते हैं कि कॉलम इज सेट टू बी शॉर्ट कॉलम कॉलम बेसिकली दो टाइप्स का होता है एक होता है आपका शॉर्ट कॉलम और एक होता है तो आपका लॉन्ग कॉलम तो कॉलम आपका शॉर्ट है या लॉन्ग वो किससे डिसाइड होता है तो वो डिसाइड होता है उसके सिलेंडरनेस रेशियो से तो सिलेंडरनेस रेशियो का मतलब क्या होता है तो लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ये क्या है तो ये फार्मूला है आपका सिलेंडरनेस रेशियो का तो जब कभी भी सिलेंडरनेस रेशियो आपका एट्टी से बिलो रहेगा यानी कि लेस देन रहेगा तो शॉर्ट कॉलम मोर देन रहेगा तो लॉन्ग कॉलम तो सिलेंडरनेस रेशियो मतलब क्या है तो रेशियो ऑफ़ इट्स लेंथ टू दीस्ट लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन तो ये बेसिकली डेफिनेशन है किसका सिलेंडरनेस रेशियो का तो कभी कभी डायरेक्ट सिलेंडरनेस रेशियो बोलता है और कभी कभी आपका डेफिनेशन के साथ में भी

ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है तो जब कभी भी ये दोनों के आमने सामने यानी कि अपोजिट टू ईच अदर रहेगा तो वो आपका चैन रिवेटेड कहलाता है और जिग्जैग रिवेटेड किसको होता है तो जगजैक्ट मतलब इसको हम जिग्जैक बोलते हैं यहाँ पे एक है उसके बाद में एक यहाँ है फिर यहाँ एक है फिर यहाँ एक है फिर यहाँ जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा तो इसको ही जिग्जैक बोलते हैं तो वो आपका जिग्जैक हो गया और डायमंड रिवेटेड मतलब क्या हो गया तो इनिशियल से स्टार्ट होता है और वो आपका कुछ इस तरह का शेप बनता है तो ये आपका डायमंड रिवेटेड हो गया क्वेश्चन नंबर में चलते हैं कि द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड फ्लेक्शुअल रिजिडिटी टॉर्शनल रिजिडिटी स्प्रिंग स्टिफनेस ये यंग मॉड्यूल्स तो देखिए द लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट डिफ्लेक्शन इन अ स्प्रिंग दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग स्टिफनेस तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे आपका स्प्रिंग क्या होता है तो स्प्रिंग जो है इस केसेस में आपका जो है वो लोड के ऊपर में ब्रेक के ऊपर में लोड अप्लाई करता है ये आपका स्प्रिंग हो गया और ये आपका प्लॉट जॉइंट है और ये इसका लीवर हो गया क्वेश्चन नंबर एटी में चलते हैं कि रेनफोर्स सीमेंट रेन फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम इज कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ होमोजीनियस मटेरियल हाइट्रोजीनियस मटेरियल कंपोजिट मटेरियल या आइसोट्रॉपिक मटेरियल तो रेन फोर्स सीमेंट जो है वो कॉन्क्रीट बीम में वो कंसीडर करते हैं हम एज अ अट्रोजीनियस मटेरियल तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में चलते हैं कि द रेशियो ऑफ बल्क मॉडल्स टू यंग मॉडल फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ जीरो पॉइंट टू फाइव विल बी वन बाई थ्री टू बाई थ्री वन या थ्री बाई टू तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग से एक सीरीज लेकर के स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे कराऊंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए आपको जरूर बहुत जल्द मिलेगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका वन है ठीक है तो वह मैं आपको बहुत जल्द डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि डबल स्टेप बट जॉइंट विथ इक्वल स्टेप इज ऑलवेज इन सिंगल शेयर ऑलवेज इन डबल शेयर आइदर इन सिंगल शेयर और डबल शेयर या नन ऑफ दिस तो इस क्वेश्चन का अगर आपको राइट right आंसर पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट right आंसर पता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए उसे शेयर करिए उसे अपने चैनल में और भी फ्रेंड ग्रुप में भेजिए ताकि और भी लोग इसका एडवांटेज ले सकें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं अगले